दोस्तों, अगर आप एक माइनर हैं, यानी आपकी उम्र 18 साल से कम है, या फिर गाइज आप एक गार्जियन हैं और आप अपने बच्चे का ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस वाली खाता खोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइज आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप घर बैठे ऑनलाइन कोटक महिंद्रा बैंक में किस प्रकार से एक जीरो बैलेंस वाली खाता खोलेंगे। दोस्तों, आप माइनर हैं तो आपको जो है इस बैंक के साथ खाता खोलने के लिए यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है, और गाइज जैसे ही इस बैंक में खाता खोलते हैं तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या क्या मिलती है। गाइज अगर बेनिफिट के बारे में बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक में आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिलती है। साथ में गाइज इस बैंक के साथ आप जब अकाउंट ओपन करेंगे और उस अकाउंट में आप जो है एक भी रुपया मेंटेन करके नहीं रखते हैं, यानी कि गाइज उस अकाउंट में आप जीरो रुपया रखते हैं, फिर भी यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक आपसे किसी भी प्रकार की चार्जेस नहीं लेती है। साथ में गाइज जैसे ही इस अकाउंट को ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक की फैसिलिटी मिल जाती है। गाइज आपके एड्रेस पे डेबिट कार्ड और चेकबुक जो है बाई पोस्ट होम डिलीवर्ड कर दिया जाता है, और गाइज जो पासबुक है आप उसे ब्रांच से ले सकते हैं। साथ में गाइज आप जो है मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग तो यूज कर ही सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यूपीआई ऐप को यूज करना है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो आप इन सारी ऐपों को भी बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में गाइज यहाँ पे आपको ईमेल स्टेटमेंट, एसएमएस अलर्ट, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाती है। साथ में गाइज यहाँ पे आपको आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा और भी आपको काफी सारी बेनिफिट इस अकाउंट के साथ देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने आगे आपको इस वीडियो में बताया है। अब गाइज हम बात करते हैं कि अगर हम एक माइनर है तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में किस प्रकार से घर बैठे ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस वाली खाता खोलेंगे। यहाँ पे गाइज माइनर के लिए जो अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस है, यहाँ पे हमने आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस एफटी बाई एफटी करके और यहाँ पे लाइव मैंने इस अकाउंट को ओपन करके दिखाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहे, नहीं तो गाइज यहाँ पे एक भी एफटी को मिस कीजिएगा तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक सेविंग अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल विशाल टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। दोस्तों, माइनर के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में एक ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। दोस्तों, जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप जो है कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जहां से आपको अपने अकाउंट को ओपन करने की जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पे आने के बाद गाइज यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगी। यहाँ पे गाइज आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर प्रोडक्ट का। गाइज यहाँ पे जैसे ही एक्सप्लोर प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब गाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी अकाउंट का, और गाइज यहाँ पे आपको अकाउंट्स के बगल में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी सेविंग अकाउंट का। तो हमें जो है सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक जितने भी प्रकार की सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करती है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जैसे गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की एक बहुत ही पॉपुलर सेविंग अकाउंट है, जो यहाँ पे 811 डिजिटल बैंक अकाउंट है, जो की यहाँ पे एक जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ ओपन होती है। बट गाइज हमें यहाँ पे माइनर के लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो आपको जो है इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आना है, और गाइज नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जूनियर दी सेविंग अकाउंट फॉर किड्स। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक जो है माइनर के लिए स्पेशल इसी अकाउंट को बनाया है, जो अकाउंट यहाँ पे बिल्कुल जीरो बैलेंस के साथ ओपन होती है। गाइज इस अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा। फाइनली गाइज यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। बट गाइज किसी भी अकाउंट को ओपन करने से पहले उस अकाउंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो गाइज यहाँ पे आपको एक नाउ मोर का ऑप्शन मिलेगा। फाइनली गाइज यहाँ पे नाउ मोर वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं माई जूनियर अकाउंट, जिस अकाउंट को यहाँ से आप जो है बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। बट गाइज यहाँ पे नीचे आपको जो है इस अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप चाहे तो इसे रीडिंग कर सकते हैं। जैसे गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं इस अकाउंट के साथ आपको 4% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। यहाँ पे गाइज एक आपको पर्सनलाइज डेबिट कार्ड मिलेगी इस अकाउंट के साथ, और गाइज ये अकाउंट जो है बिल्कुल जीरो बैलेंस के साथ ओपन होती है। और गाइज अगर आप एक माइनर है तो आप जो है इस अकाउंट को बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। अब गाइज हम बात करते हैं कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है।
तब यहाँ पे आपकी अकाउंट जो है सक्सेसफुल ओपन होगी। तो यहाँ पे आपको एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की ऑप्शन मिलेगी फाइनली गाइस, यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि आपको जो है आइडेंटिटी प्रूफ में आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपकी जो अकाउंट ओपन होगी वे आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे यहाँ पे आपकी अकाउंट ओपन होगी। यानी कि गाइस आप अपनी पेरेंट्स का यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद से गाइस यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आपको जो है यहाँ पे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड यही सब डॉक्यूमेंट आपको देनी होती है। इसके बाद गाइस यहाँ पे सिग्नेचर प्रूफ में आप अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे माइनर का जो डॉक्यूमेंट लगेगा यानी जिनका अकाउंट ओपन होगा उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है एक बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और ये अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। तो गाइस इतनी सारी डॉक्यूमेंट में आपकी अकाउंट जो है सक्सेसफुल ओपन हो जाती है। गाइस यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात हो गई। अब गाइस एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है कि एज ऑफ द चाइल्ड शुड बी बिलो 18 इयर्स। यानी कि गाइस यहाँ पे बताया गया है कि आपकी उम्र जो है 18 इयर्स से कम होना चाहिए। और गाइस यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइनर शुड बी रेसिडेंट यानी कि गाइस नाबालिग की यहाँ पे निवासी होना चाहिए। साथ में गाइस ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे गार्जियन जो है यानी कि जो भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं उनका भी यहाँ पे रेसिडेंशियल जो है इंडिया की होनी चाहिए। गाइस इस अकाउंट के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता दिया, यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी बता दी। अब गाइस इस अकाउंट की फ्यूचर्स के बारे में भी मैं यहाँ पे बता दिया आपको। अब गाइस हम बात करते हैं कि आप इस अकाउंट को ओपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे गाइस इस अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ का बटन देखने को मिलेगा। फाइनली गाइस यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने गेट स्टार्टेड की ऑप्शन आ जाएगी। और गाइस यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करने की ऑप्शन आती है। जैसे गाइस यहाँ पे आपको अपनी नेम फिल करना होता है। गाइस यहाँ पे जो भी माइनर का अकाउंट ओपन हो रहा है उनकी यहाँ पे कम्प्लीट नेम फिल करेंगे। जैसे ही नेम फिल कर लेते हैं उसके बाद से यहाँ पे उनकी मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो मोबाइल नंबर यहाँ पे वे अपनी अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करने की ऑप्शन आती है। गाइस यहाँ पे आप वही ईमेल आईडी फिल करेंगे जो ईमेल आईडी यहाँ पे चालू पीरियड में हो, क्योंकि गाइस आपकी अकाउंट की जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपको जो है इसी ईमेल आईडी के माध्यम से देखने को मिलेगी। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करने की ऑप्शन आती है। गाइज आपकी एरिया की जो भी पिन कोड होगी यहाँ पे कंप्लीट आप अपनी पिन कोड फिल करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको सिटी फिल करने की ऑप्शन आती है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आप अपनी सिटी फिल करेंगे। उसके बाद से गाइज यहाँ पे आपको एक प्रोमो कोड का ऑप्शन मिलता है। गाइज अगर आपके पास प्रोमो कोड अवेलेबल है तो इसे फिल कर देंगे, वरना गाइज आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद से कोटक महिंद्रा बैंक की कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है जिसको यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने के लिए एक छोटी सी बॉक्स मिलेगी। फाइनली गाइज इस बॉक्स में आप टिक करेंगे और इनके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों आप जैसे ही सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के पास सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है, जिसका यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट। यानी कि गाइज आपसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल्स है उसे यहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट कर लिया गया है। अब गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव विल बी गेट इन टच विथ यू इन 24 वर्किंग आवर्स। यानी कि गाइज आपसे बताया जा रहा है कि आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया है उस मोबाइल नंबर के माध्यम से कोटक महिंद्रा बैंक के जो भी एक्जीक्यूटिव होंगे वे उस मोबाइल नंबर पे कॉल बैक करेंगे और गाइज जब आप उस कॉल के साथ कनेक्ट होंगे वहां पे आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा और भी गाइज आपसे कुछ क्वेश्चन की जाएगी। और यहाँ पे जैसे ही आप अपनी कम्युनिकेशन एड्रेस को उनके साथ शेयर करेंगे अगर आपकी एड्रेस पे डोर एफटीप की फैसिलिटी उपलब्ध होगी तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के जो भी एक्जीक्यूटिव होंगे वे आपके घर पे आके आपकी अकाउंट जो है सक्सेसफुल ओपन कर देंगे। बट गाइज इसका यहाँ पे कुछ चार्जेज आपको अलग से पे करना होता है। गाइज ये जो कॉल है यहाँ पे 24 आवर्स के लेकर के और यहाँ पे 1 वीक के अंदर यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे कॉल बैक किया जाएगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक के जो भी एक्जीक्यूटिव होंगे वे आपके घर पे आके आपकी अकाउंट की फुल केवाईसी करके और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करके आपके फिंगरप्रिंट की स्कैन करके आपकी अकाउंट जो है यहाँ पे सक्सेसफुल ओपन कर देंगे। गाइज जैसे ही आपकी अकाउंट जो है सक्सेसफुल ओपन हो जाती है यहाँ पे आपको एक वेलकम किट मिलेगी और गाइज कोटक महिंद्रा बैंक माइनर के लिए जितनी सारी फैसिलिटी रखी होगी आपको जो है उस वेलकम किट के अंदर वे सारी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है।
तो गाइज अगर आप एक माइनर हैं तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फाइनली गाइज आप जो है इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी अकाउंट को जो है सक्सेसफुल ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर उसे कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।